नमस्कार। आज 12th मार्च 2023 और आज का दिन हमारे जीवन का बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज बहुत मेहनत से बनाई गई हमारी फिल्म वृत्ति आज इसका प्रीव्यू होने जा रहा है फेमस स्टूडियो महालक्ष्मी में, और हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं इस फिल्म का आनंद लेने के लिए। और एक चीज़ आपसे कह दें कि ये फिल्म, जैसे कहते हैं ना, एक फिल्म बनती है बहुत सारे लोगों की मेहनत और बहुत सारे लोगों के परिश्रम के द्वारा। तो इस फिल्म को हमारे डायरेक्टर साहब अश्विन जी के मार्गदर्शन में, इनके सहयोगियों द्वारा हम सब लोगों ने काफ़ी मेहनत करके बनाई है, और ये फिल्म वाकई बहुत अच्छी बन पड़ी है। ये इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि हमने इस फिल्म में काम किया है, ये मैं इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि ये अपने मेरिट पे टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में इसे हिस्सा मिला, और इसे मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा मिला, और इसने अपने बलबूते पर डीसी वाशिंगटन में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड जीता है। तो ये इट्स अ प्रूफ दैट इट्स अ वेरी गुड फिल्म, एंड बेसिकली जो आज का ज़माना है कंटेंट ड्रिवन फिल्म का ज़माना है, और ये फिल्म ऑब्वियसली बहुत ही बेहतरीन थीम पर बनी है। जहाँ पर हमारे डायरेक्टर साहब को जब मैंने पहली मरतबा पूछा था कि सर इस फिल्म की स्टोरी क्या है, तो इन्होंने बहुत अच्छी बात मुझसे कही थी। इन्होंने कहा था कि ये फिल्म जो है दोस्ती पर आधारित है, और मज़े की बात यह है कि ये दोस्ती आमतौर पर बहुत सारी फिल्में बनी होंगी दोस्ती पर, बट ये दो बच्चों की दोस्ती पर आधारित है। और दो बच्चों की दोस्ती पर आधारित फिल्म में जो ये प्लॉट है कि एक थोड़ी सी ऊंची जाति के और एक थोड़ी सी उस टाइप के, तो इनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो ये पूरी फिल्म में आप अगर आप देखेंगे तो काफ़ी मतलब आपको बड़ा अच्छा अनुभव फील होगा। और मैं ये सिर्फ दुआ करता हूँ कि इस फिल्म को, चूँकि 14th मार्च को ये YouTube पे रिलीज़ होने वाली है, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने लोगों को शेयर करें, और जितना हो सके इस फिल्म को आप एक दूसरे के साथ देखें और सराहें और आगे फॉरवर्ड करते जाएं, ताकि ये फिल्म एक ऐसी कालजयी फिल्म बन पाए और एक टॉकिंग पॉइंट हो जाए। तो मैं चाहूँगा हमारे डायरेक्टर साहब अश्विन जी कुछ इस फिल्म के बारे में बताएं। सो मेरे लिए वही था कि एक छोटा सा लड़का था जिसने एक सपना देखा था एक बड़ी फिल्म बनाने का। वो सपना पूरा होने के लिए मेरे साथ मेरी सारी टीम जुड़ी, जो आज आप देख रहे हैं, सारी कास्ट, सारी क्रू। तो मेरा एक विज़न था, आई एम सो हैप्पी कि सबने वो विज़न मेरे साथ देखा और आज फिल्म इस लेवल पे आके पहुंची है। सो आई एम रियली रियली ग्लैड और थैंक यू टू एवरीवन। एंड उसके अलावा मैं जो ऑडियंस है, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ दैट हम सब की बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, ठीक है। मेरे ऑलमोस्ट 6-7 साल निकल गए ये फिल्म बनाते हुए, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, स्प्रेड कीजिए। मैं ऑफकोर्स ये कहूँगा कि फिल्म पसंद आए तो ज़्यादा स्प्रेड कीजिए। तो पसंद जरूर है, थैंक यू। मैं वैसे मुझे कोई शूट ही नहीं कर रहा है। तो यस यस, थैंक यू, प्लीज़ वॉच द मूवी, यूट्यूब पे आ रही है 14th मार्च को। फिल्म करताना खूप मजा आली, आणि फिल्म बेसिकली मैत्रीवर आधारित आहे, आणि आमची इथे सगळ्यांची खूप कमाल मैत्री झाली। हो, या फिल्मच्या निमित्ताने खूप छान लोक भेटली, कमाल एक्सपिरियन्स होता। मी या फिल्म मध्ये अंजली नावाचा कॅरेक्टर प्ले करते, आणि थोडक्यात सांगायचं झालं तर एका कपलचा पहिल्या किस पर्यंतचा जो जर्नी असतो, तर ती जर्नी आम्ही इथे 2 दिवसात जे काही घडतं ते दाखवायचा प्रयत्न केला या फिल्म मधनं। नमस्कार, मी संजीव सत्यविजय धुरी, या फिल्म मध्ये मिस्टर मानसीचा रोल करतो। जो या फिल्म मध्ये ज्या दोन मुलांच्या मैत्रीवर ही जी गोष्ट आधारित आहे, त्यातल्या एका मुलाच्या वडिलांचं कॅरेक्टर आहे माझं, आणि खूप कडक शिस्तप्रिय पण थोडीशी निगेटिव्ह शेड असलेली भूमिका आहे, जो त्या वाईट गोष्टीला प्रवृत्त करणारी भूमिका आहे ती। आणि दुसरी गोष्ट अशी सांगेन की हो, आमचे डिरेक्टर अश्विनने जे छोट्या मुलाने जे मोठं स्वप्न बघितलेलं, ते स्वप्न पूर्ती करण्यास मागे आमचा काहीतरी हातभार आहे, त्याचा आम्हाला आनंद आहे की या अख्ख्या जर्नी खूप मजा आली काम करताना, सगळ्यांची नवीन एक्सपिरियन्सेस, चांगली मैत्री, सगळ्यांची नवीन मित्र भेटले। तर खरंच सगळ्यांनी पहा हा सिनेमा, आजूबाजूच्यांना पण सगळ्यांना सांगा आणि स्प्रेड करा, थैंक यू। डेफिनेटली, जैसे कहा सब लोगों ने, बहुत मेहनत और वाकई यकीन माने एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंसेस इस फिल्म में हुए हैं, और ये जब देखेंगे तो ही आप इसे जान पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। सो आप सबसे एक बार फिर से गुजारिश है, इस फिल्म को देखें, सराहें और हमारी मेहनत को अपने द्वारा नवाजें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू।